वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां, इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में अबकी बार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जानेंगे महाराष्ट्र की एक एक लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। आखिर क्या है महाराष्ट्र की जनता की राय? महाराष्ट्र की जनता अबकी बार केंद्र में किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसे देखने चाहती है देश का प्रधानमंत्री, इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानेंगे। तो आप केंद्र में अगली सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, किसे देखने चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री, किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कौन सी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जान लेते हैं एक एक में। हम जानेंगे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां, इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में अबकी बार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जानेंगे महाराष्ट्र की एक एक लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। आखिर क्या है महाराष्ट्र की जनता की राय? महाराष्ट्र की जनता अबकी बार केंद्र में किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसे देखने चाहती है देश का प्रधानमंत्री, इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानेंगे। तो आप केंद्र में अगली सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, किसे देखने चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री, किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कौन सी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जान लेते हैं एक एक लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे पहले महाराष्ट्र की लोकसभा सीट जलगांव की निकल कर आई है। जलगांव की लोकसभा सीट पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता खाली नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन कहां से तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली सीट की। महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट धुले की आती है। धुले की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो धुले लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात कर ले अगली सीट की तो इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट नंदुरबार। नंदुरबार जिले की लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखने तो नंदुरबार लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। एनडीए गठबंधन के यहाँ से तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। इसी के साथ बात कर ले अगली सीट की तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट रावेर की आती है। रावेर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही बात करें अगली सीट की इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट बुलढाणा की आती है। बुलढाणा लोकसभा सीट का ताजा सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट अकोला की आती है। अकोला लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें। अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान लगाया जाना है। मैं बात करें अगली सीट की तो इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट अमरावती की आती है। अमरावती लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें। अमरावती की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़ ले तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट आती है वर्धा की। वर्धा लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खाता नहीं खुल रहा यहाँ पर एनडीए गठबंधन का। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट रामटेक की आती है। रामटेक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो रामटेक की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट नागपुर की आती है। नागपुर की लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो नागपुर लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली सीट की तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट गढ़चिरौली की आती है। गढ़चिरौली की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो गढ़चिरौली लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। मैं बात कर लेते हैं अगली सीट की तो इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट भंडारा गोंदिया की आती है। भंडारा लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़ लेते हैं तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट आती है चंद्रपुर की। चंद्रपुर लोकसभा सीट का ताजा सटीक सर्वे देखा जाए तो चंद्रपुर की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खाता नहीं खुल रहा है एनडीए गठबंधन का। इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट आती है जालना की। जालना लोकसभा सीट का ताजा सटीक सर्वे देखा जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट आती है परभानी की। परभानी लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। अगली सीट आती है नांदेड़ की। नांदेड़ लोकसभा सीट पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें। यहाँ की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बात कर लें शिक्षा अगली सीट की, महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट डिंडोरी की आती है। डिंडोरी की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा हो सकता है। इंडिया गठबंधन यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ सकता है। इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट हिंगोली की आ जाती है। हिंगोली लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, हिंगोली की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है, खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट यवतमाल की आती है। यवतमाल लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात कर लें इसी के साथ अगली सीट की, तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट भिवंडी की आती है। भिवंडी लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भिवंडी की लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। मैं बात कर लेते हैं इसी के साथ अगली सीट की, महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट नासिक की आती है। नासिक लोकसभा सीट का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो नासिक की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बैंगली सिटी के साथ पालघर की आती है। पालघर की लोकसभा सीट का ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख लें, पालघर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के कब्जे में जाती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खाली रहने का अनुमान है। मैं बात करने के लिए सीट आ जाती है साथ औरंगाबाद की। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर ताजा ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खाली रहने का अनुमान है। अगली सीट आती है शिक्षा कल्याण की। कल्याण लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कल्याण की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन अपना कब्जा जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खाली नजर आ रहा है, तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है यहां पर एनडीए गठबंधन को। अगली सीट आ जाती है शिक्षा ठाणे की। ठाणे लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहां पर जोरदार झटका लगता नजर आ रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। अगली सीट आती है मुंबई उत्तर की। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का ताजा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे देखें यहां की लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहां से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। मैं बात कर लें इसी के साथ अगली सीट की, महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पूर्व की आती है। मुंबई उत्तरी पूर्व लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहां पर खाता खुलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। इंडिया गठबंधन यहां पर तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पश्चिम की आती है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां से सुगड़ा साफ होता दिख रहा है। अगली सीट आती है शिक्षा मुंबई दक्षिण मध्य की। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट पर सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहां की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खाली रहने का अनुमान है। अगली सीट आती है मुंबई दक्षिण की। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की, तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट आती है पुणे की। पुणे की लोकसभा सीट का ताजा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे देख लिया जाए तो पुणे लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं बात करें इसी के साथ अगली सीट की, तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट सांगली की आती है। सांगली लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो सांगली की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। मैं बात कर लें इसी के साथ अगली सीट की, तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट सोलापुर की आती है। सोलापुर लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो सोलापुर लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का यहां पर खाता खाली रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें अगली सीट की, तो इसी के साथ महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट लातूर की आती है। लातूर की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लातूर लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन का यहां से तगड़ा झटका लग सकता है। अगली सीट आ जाती है इसी के साथ उस्मानाबाद की। उस्मानाबाद लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के कब्जे में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें इसी के साथ अगली सीट की, तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट शिरडी की आती है। शिरडी लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो शिरडी लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां पर खाता खाली रहने का अनुमान है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट बीड की आती है। बीड लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का यहां से खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगली सीट आती है शिक्षा अहमदनगर की। अहमदनगर लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो अहमदनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा हो सकता है। इंडिया गठबंधन यहां पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। अगली सीट आती है शिक्षा शिरूर की। शिरूर लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो शिरूर की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहां से तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अगली सीट की बात कर लें तो शिक्षा महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट बारामती की आती है। बारामती लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहां की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को यहां से तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। अगली सीट आती है शिक्षा मावल की। मावल लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो मावल की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। अगली सीट आ जाती है रायगढ़ की। रायगढ़ लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन को यहां से तगड़ा झटका लग सकता है। इसी साथ अगली सीट आती है हातकनगली की। हातकनगली लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन का यहां से सफाया होता नजर आ रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। अगली सीट आ जाती है सतारा की।
सतारा लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो सतारा की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ से तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। बगली सीट आती है माड़ा की। माड़ा लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो माड़ा की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन का खाता यहाँ से खाली रह सकता है। इसके साथ अगली सीट आती है रत्नागिरी की। रत्नागिरी लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। इसके साथ बढ़ लेते हैं महाराष्ट्र की अंतिम लोकसभा सीट की तरफ। महाराष्ट्र की अंतिम लोकसभा सीट कोल्हापुर की आती है। कोल्हापुर लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो कोल्हापुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने निकल कर आ चुका है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा महाराष्ट्र से इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की जनता इस बार कांग्रेस के काफी पक्ष में दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर में अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं, किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप किस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय